तो फाइनली हमारा पितर पूजा हो चुका, हम पूजा पाठ कर लिए, मम्मी के फोटो मिला है तो मम्मी के फोटो को पूजा कर लिए, दादी के फोटो मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए हम पितर में आज क्या क्या बनाए थे, पुआ, पूड़ी, सेवई, चावल, चीनी गुड़, जो भी मिश्री उसरी सब चीज़ चढ़ाए हैं। तो अब मेरा अभियारी वगैरह जितना समझ में आता है दोस्तों उतना हम अपन कर लेते हैं पूजा पाठ। और क्या बोलें, पानी वानी रख दिए हैं। चलिए इधर देखिए, मेरी यही मेरी सासू माँ है, ये मम्मी के दिखाई देती हूँ, हटो। ये देखिए इसका बेटा के, आज इसका, तो ये मेरी सासू माँ है। मम्मी को सब कुछ करना पड़ता है, क्या करे, और इसीलिए तो बाबू दादी नहीं नहीं छुआ जाते हैं, हाँ दादी नहीं छुआ जाता, इसे गोल लगा, हाँ चलो चलो चले के नीचे ना रिश्ता पूरी खाने के लिए। चलो चलो रिश्ता बेटा, चलो आजा आजा। खाना वाना खाएंगे और इसके बाद इसका बेटा आप पहले खाएगी ना। तो दोस्तों आज आप लोग देखे हैं वीडियो कि हम पितर बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो हाँ पितर पूजा था तो हमने पूजा पाठ कर लिया और दोपहर की समय हो रहा है, अभी मुझे मंदिर घर सहारना है पूरा, क्योंकि कल दोस्तों नवरात्र व्रत मुझे रहना है और 8 बजे से आज ग्रहण भी है। तो आप लोग के पता है कि आप लोग के भाभी प्रेगनेंसी में है इस टाइम, तो इसके वजह से, और आज इसका बेटा के बर्थडे भी था तो बर्थडे नहीं मन पाएगा, क्योंकि बर्थडे दोस्तों रात में अच्छा लगता है, दिन में नहीं मज़ा देता है। थोड़ा बहुत अब हम लोग जा रहे हैं, केक वो काट लेंगे, आप लोग के वीडियो देखने के मिलेगा, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पर और देखिएगा वीडियो के। अभी तो फटाफट हम लोग तरी थोड़ा सफाई कर लें, अभी तो 1 बज रहा है, क्योंकि जल्दी खाना भी बनाना है, खाना बना के खा वो के माँ धो के सब फिट करना है, क्योंकि कल व्रत रहेंगे तो हम कैसे सब मैनेज करेंगे, घर द्वार भी धुलना पड़ेगा और रात में 8 बजे तक ग्रहण है तो हम कैसे सब करेंगे, अब मुझे खुद करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं और देखिए इधर मुझे पित्तल वाला सा, मतलब पित्तल वाला बर्तन सब धोना है, पूजा पाठ सब व्यवस्था बनाना है वहाँ पर और दुर्गा माँ के। और देखिए फिलहाल देखिए मेरे घर कितना काम पड़ा है, बर्तन तो सब धुलना है। और इधर कुश मंगाए हैं हस्बैंड जी से बांधने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है कुश है कि का है, देखिए पता नहीं कि हमारा सब कपड़ा खुवाई देती। और देखिए इधर पूरा किचन घर में रहना बना पड़ा हुआ है, पूरा सफाई करना है, देखिए तो हम फटाफट कर लेते हैं, तो आप लोग बनिए ब्लॉग पर दिखाते हैं आप लोग के। तो आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली हम लोग नवरात्रि के तैयारी कर रहे हैं, साफ सफाई, और इधर आटा हम पैक कर रहे हैं टंकी में, और इधर इतना आटा बच गया तो सबसे पहले हम लोग इसको ख़त्म करेंगे खा के, और हम तो व्रत रहेंगे कल, कल रहेंगे चढ़ती उतरती, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो हम 9 दिन नहीं रह सकते दोस्तों, नहीं तो रह लेते और सब लोग डांटने लगेंगे ना इसीलिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन व्रत रह रहा है, और मेरे रिश्ता बेटा के आज बर्थडे है तो अभी फिलहाल हम लोग केक लाएंगे, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके और हैप्पी बर्थडे जरूर लिख दीजिएगा
कौन कौन मिक्स करता है ये ब्लड।